Hey, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is on Sumbul and Farman. Loads of people love them. They want to know about them. So let's see how their relationship dynamics is going to be, how things are going to work out between them in the month of January. कैसी energies रहेगी उनकी relationship की January के महीने में? चलिए overall energy हम लेते हैं. God's God is angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Farman for this January. How the energies are going to be for them, for their relationship. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Cards are not coming out. Okay, we have the card. Facade. Stop wearing the facade. And how true is this? Miracle at the back of the deck में है. क्या कुछ miracle आएगा नहीं आएगा वो तो हम देखेंगे. Back of the deck में है वैसे तो. But यहाँ पे क्या है? Okay, miracle कब आएगा? Miracle जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आ जाता. उसको आपको earn करना पड़ता है. ठीक है? You have to earn. You have to put. If you want something to manifest in your life, you have to put in that much of energy. You have to give that much of energy to the universe so that universe can give you your manifestation. So same यहाँ पे miracle तो हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको भी इनकी relationship guidance में बताया है ना, जैसे आप मुझे बताते रहते थे कि बहुत सारे tarot readers बोलते हैं इनका तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. इनके relationship dynamics में भी मैंने आपको एक hope दिखाया था यहाँ पे, और यहाँ पे universe खुद miracle दिखा रहा है, but at the back of the deck में है. अब ये miracle universe आपकी झोली में लाके नहीं डालेगा. जैसे कि मैंने पहले वाले reading में भी explain किया है, you always have to work on your lessons. Universe doesn't care to people please you and give you everything you want in the 3D. स्पिरिट सोल अपने स्पिरिचुअल लेसन लर्न करने के लिए आया है. जब आप लेसन लर्न करेंगे, जब ये फसाड जो आपने ओढ़ रखा है ना अपने रिलेशनशिप में, झूठ मूठ की जो नौटंकी करके रखे हुए हो, रिलेशनशिप की जो इमोशंस तो हैं पर दोनों ही छुपा रहे हो बैठ के, वो अदिति में वैलो कर रहा है, ये अपने पिताजी की गुणगान गाने में लगी हुई है ना. तो ये जो फसाड है ये तुम लोगों का, ये जो झूठ मूठ का ड्रामा तुम लोगों ने कर रखा है, फीलिंग्स तो तुम दोनों को ही है लेकिन अपने अपने रीजंस के कारण तुम लोग अपने ट्रू फीलिंग्स को जो और रिवील नहीं कर रहे हो, और राधा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. रिवील का तो छोड़ो, रिवील तो उन्हें किसकी को क्यों ही करना है, बट जो तुम अपनी रियल फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. तो ये जो फसाड तुमने ओढ़ रखा है ना अपने रिलेशनशिप में झूठ मूठ का, इसको हटाओ. क्योंकि जब तक तुम ये फसाड पहने रहोगे ना, मिरेकल को भी तुम अपने से दूर फेंक रहे हो. तो वो चीजें हैं. तो एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैंने बोला था कि जब तक आप अपने लेसन्स नहीं लर्न करोगे, वहां पे जो न्यू बिगिनिंग एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिखा रहा है, एस ऑफ वॉन्ड क्या है, द सेम मिरेकल थिंग इज, लेकिन जब तक ये अपने लेसन्स लर्न नहीं करते हैं, अपने एक्शंस नहीं लेते हैं, यूनिवर्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स विल ऑल्सो टेल यू कि ये चीज पॉसिबिलिटी है तुम्हारे में, लेकिन अगर तुमको चाहिए ही नहीं, तुम अपने हाथ बंद करके बैठे रहोगे, आंख पे भी पट्टी रहेगी, तो ठीक है, यू आर जस्ट लेटिंग थिंग्स गो. इन स्पिरिचुअल भाषा में, स्पिरिचुअलिटी में हम लोग बोलते हैं यू आर नॉट रेडी टू रिसीव, यू आर नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ, आप रेडी टू रिसीविंग मोड में ही नहीं है. तो जब रेडी टू रिसीविंग मोड ही में आप नहीं है, तो यूनिवर्स कितना भी मिरेकल्स भेज दे वो आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने फकाड ओढ़ के रखा है. फकाड का मतलब क्या होता है? कि आपने एक ओढ़ना ओढ़ के रखा है, और जब ओढ़ना ओढ़ के रखोगे तो मिरेकल कहां से तुमको मिल पाएगा. एनीवेज, दिस इज व्हाट इट इज. लेट गो द फसाड, फसाड जो ओढ़ के बैठे हो वो चीज है. ऑल राइट, सो लेट्स टेक दिस कार्ड. एक्चुअली आई बीन यूजिंग दिस कार्ड ओनली फॉर द रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर क्वाइट अ टाइम, राइट? एंड राइट नाउ इंस्टेंटली ऑल्सो आई टोल्ड आई एम गोना यूज दिस कार्ड. नेवरदलेस, लेट्स सी उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी. पर यूनिवर्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया, जब तक आप ये फसाड अपना ओढ़े रहते हो ना, मिराकल यूनिवर्स ने ये मिराकल लेके, यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग मिराकल फॉर देयर रिलेशनशिप, हीलिंग फॉर देयर रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग फॉर देयर रिलेशनशिप. लेकिन अगर आपको चाहिए ही नहीं, आप ईगो में रहने चाहते हो दोनों लोग, तो फिर रहो, फिर कुछ यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता, और टैरो रीडर तो क्या ही कुछ कर सकता है. Relationship guidance coming for Sumbul and Farman for January 2.0. Will it start reflecting? Boom.
क्यों क्यों ऐसा हो सकता है कि सुंबुल भी अब देख रही है, सुंबुल भी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू हर ओन चेंजेस. फैमिली में डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत कॉमन सी बात है. घर घर की कहानी, शादी हो गई है उसके फादर की, अब कुछ तो थोड़ा बहुत होगा ही. अब सुंबुल ने जो कि अपना हर चीज सैक्रिफाइस किया, अपने पैसे, आई मीन एवरीथिंग शी इज डूइंग फॉर द फैमिली. अब वहां पे फैमिली में अब पिताजी डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो जाएंगे ना, अपनी पर्सनल लाइफ उनकी हो गई है एक छोटी सी, तो वहां पे हर्ट हो सकता है. और यहाँ पे सुन बोले कि उसने हर चीज को बस एक ही इंसान के लिए किया, तो वहां पे थोड़ा सा मनमुटाव, हर्ट, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करना, जो भी चीजें हैं. तो अब बेसिकली क्या देख रहे हैं कि क्या उसको क्वीन ऑफ सोडी बने रहना चाहिए, शायद सुम्बुल ये सोच रही है, क्योंकि हमने देखा है कि सुम्बुल इज गोइंग थ्रू हर मेंटल बॉडी प्रोसेसिंग, है ना. तो वो चीज हम देख रहे हैं. एंड फामान भी है कि नाउ इट्स लाइक यू नो आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, वो सारी चीजें. कैन नॉट गो ऑन वैलोइंग इन इल्यूजन्स, कैन नॉट लेट माई सेल्फ यू नो लूज लाइक दिस, जो भी है. तो लेट्स सी क्या 2.0 वर्जन स्टार्ट होता है इनका, नहीं होगा. यूनिवर्स ने हरी झंडी दिखा दी है. अब इनके अपने कर्मास पे है, ये क्या कर्म करते हैं, क्या चूज करते हैं. नाइट ऑफ सोर्ड एंड व्हाट एल्स, वाओ, बैक ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स. क्या हो रहा है इनकी एनर्जी में? फसाद तो मैंने समझा ही दिया है ना, फसाद तो है, फसाद तो इन्होंने पहन के रखा है. ऑल राइट, अब क्या करना है? तेजी से किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड जो कि फास्टेस्ट मूविंग सोर्ड ऑफ टैरो है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू नो टेकिंग एक्शन. थोड़ा सा यू आर टेकिंग एक्शन, राइट, गोइंग फॉर समथिंग. नाइट ऑफ सोर्ड, एक्चुअली यस, पेशेंस तो रिलेशनशिप में काफी दिनों से, आई मीन या पेशेंस ही पेशेंस हो रहा है वैसे तो रिलेशनशिप में, पर और क्या हो रहा है यहाँ पे. है फाइव ऑफ सोर्ड इन अपोजिट, ये एट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे कोई चीज तेजी से कहीं बढ़ तो रही है, एक एनर्जी है जो तेजी से बढ़ रही है किसी तरफ. इनकी इनके रिलेशनशिप में एक कुछ स्पीड से कुछ बढ़ तो रहा है, बट किस चीज की तरफ बढ़ रहा है? देर इज समथिंग या देर इज समवन मूविंग टूवर्ड्स देम, या इनके रिलेशनशिप में कुछ फास्ट स्पीड. ओके, व्हाई नॉट टेक अ क्लैरिफायर फॉर दीज कार्ड्स. कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर दीज थ्री कार्ड्स योर एंजल्स. ओके, टेन ऑफ सोर्ड देख रहे हो, टेन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है? द टेम्परेंस रिवर्स में है, सेलिब्रेशंस है, वाह. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है. हो क्या रहा है यहाँ पे? रिलेशनशिप में हो क्या रहा है यहाँ पे? एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, या फिर एक कोई मूव कर रहा है फॉरवर्ड, मगर ये यहाँ पे भी तो ये टेन ऑफ सोर्ड है. दिस इज द सेम सोर्ड, दिस इज सोर्ड एंड दिस इज सोर्ड. दिस सोर्ड इज, ये जो टेन ऑफ सोर्ड का इंसान है, यूजुअली ही इज पिन टू द ग्राउंड, लेकिन वो उसके पहले का स्टेज है यहाँ पे, राइट. मगर
यहाँ पे तो ये वॉक कर रहा है, एंड क्योंकि ये वॉक कर रहा है, एक्चुअली ये यहाँ पे तो उस घोड़े पे बैठ के कोई आगे बढ़ रहा है, बट इसकी हालत तो ऐसी ही है। हालांकि आपको इसके घोड़े पे बैठने से लगेगा कि ये बहुत ही इसका मेंटल हेल्थ सब चीज़ सही है, लेकिन ये टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी वाले कंडीशन है इसकी अंदर से, और बहुत सारे लोग भी बैठे हैं वैसे तो छुप के यहाँ पे, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी का मेंटल स्टेट सही नहीं है। ऑलमोस्ट वो एक स्टेप ही है गिरने के पहले, लेकिन स्टिल शायद उसने बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करके वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये मुझे, दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग, समवन हु इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल ऑन द ग्राउंड, बट यहाँ पे फॉल नहीं है, बट ही हैज समवन हु इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल ऑन द ग्राउंड, जो बस ग्राउंड पे फॉल करने ही वाला है, यानी कि उसमें कोई एनर्जी बची नहीं है, बहुत बिट्रेयल्स हुए हैं, अंदर की भी मनस्थिति सही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लैरिफायर है इसका, कि वो घोड़े पे बैठ के ऐसी इस एनर्जी से भाग रहा है जैसे कि उसके उस वो काफी पिंक ऑफ हेल्थ में है, बट एक्चुअली द पर्सन इज नॉट इन अ पिंक ऑफ हेल्थ। बट यहाँ पे देख के आपको नहीं लगेगा कि ये एनर्जी इसकी इस तरह की है। एनीवेज, इस तरह की एनर्जी या फिर शायद ये एक इंसान ही है जो कि यहाँ पे किसी की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या पता ये फामान है, कौन है, बट लुक्स लाइक अ फामान एनर्जी टू मी। ही इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, वॉट इज ही मूविंग टूवर्ड्स, बट ही इज मूविंग टूवर्ड्स एट ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है, कुछ काटना चाह रहा है, कैची है यहाँ पे, कैची से कुछ काटना चाह रहा है, वॉन्ट्स टू कट द फसाड, वॉन्ट्स टू कट द फसाड, ही इज यूजिंग हिज नाइफ टू कट द फसाड, ही इज मूविंग टू कट द फसाड, ऐसा लग रहा है मुझे। ही इज मूविंग टू कट द फसाद, दैट इज वॉट आई एम पिकिंग अप, एंड मूविंग टू कट द फसाद, जो कि रिलेशनशिप को वर्कआउट नहीं करने दे रही है, ये फसाद ही तो रिलेशनशिप को वर्कआउट करने नहीं दे रही है ना। ही इज गैदरिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ मूविंग फॉरवर्ड टू कट द फसाद, यहाँ पे एक लेडी है, एंजल है, टेम्परेंस के पहले यानी कि बैलेंस के पहले का कार्ड है, बैलेंस के पहले का कार्ड है, क्योंकि बैलेंस नहीं है, बैलेंस के पहले का कार्ड मतलब कि बैलेंस नहीं है, शायद वो कुछ अटेम्प्ट लेना चाहता है एक लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट इस कार्ड में तो वो गिरने वाला है, बट फिर भी उसने सारी एनर्जी गैदर करके कुछ काटने जा रहा है, फसाद को काटने जा रहा है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी शायद उसको, इल्यूजन क्लाउड्स उसको काटने जा रहा है,